फलस्तीन की आजादी कमीशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चिटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफर पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, इत्तफाक है कि मैं जरा तन्हाई पसंद हूँ और ज्यादा दोस्तियां वगैरह नहीं करता। मेरे ताल्लुकात बहुत कम लोगों से हैं। ग्रेस्टोन में आपने कब शमूलियत इख्तियार की? 10 साल गुजर चुके हैं और मैं ग्रेस्टोन के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर चुका हूँ। कितने अरसे से आप तिल अबीब नहीं गए? इस बार तकरीबन 7 माह हो चुके हैं। 7 माह से मैं तिल अबीब नहीं जा सका, लेकिन अब मेरा इरादा है कि यहाँ से तिल अबीब जाऊँगा और कुछ वक्त वहाँ गुजारूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर पॉल गोल्डे, आपको यकीनन तिल अबीब ही जाना चाहिए। क्या इस सिलसिले में आपने अपने ऑफिसर्स वगैरह से बात कर ली है? जी हाँ, दरअसल अगर हम सारडान में काम करते रहते तो मुमकिन है उस वक्त तक मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त ना मिलती जब तक कि ये काम मुकम्मल ना हो जाता। लेकिन इस बात का फैसला बहुत पहले कर लिया गया था कि सारडान के काम की तकमील के बाद उस प्रोजेक्ट पर काम करने वालों को 3-3 माह की छुट्टियाँ दी जाएंगी। और मैंने अपने अहले खानदान को यही लिखा था कि वक्त का तायुन तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद मैं कम अज कम 3 माह के लिए तिल अबीब पहुँचूंगा। बहुत खूब, अब आप ये बता सकेंगे मिस्टर डेनिस पॉल कि ग्रेस्टोन के सरबराहों ने सारडान में काम खत्म होने के बाद अपने बारे में क्या फैसला किया है। दरहकीकत हम तो इस बात पर परेशान हैं कि प्रोजेक्ट खत्म करके हमें नजरबंद क्यों किया गया है। हम कोई जुर्म तो नहीं कर रहे थे, हमें बाकायदा यहाँ कानकनी का ठेका दिया गया था और उसके बाद अगर ये ठेका मनसूख भी कर दिया गया तो हमारी नजरबंदी का क्या जवाब है? क्या ग्रेस्टोन की मुअज्जज अराकीन इस सिलसिले में किसी सरकारी सतह की कार्रवाई का इरादा रखते हैं? इसके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि हमें इत्तला मिली है कि मोशे हरमोस जो ग्रेस्टोन के मालिक हैं इंतकाल कर चुके हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ग्रेस्टोन कायम रहेगी या नहीं, और अगर कायम रहेगी तो उसे कौन संभालेगा। इस सिलसिले में कोई बात हमें नहीं मालूम। क्या आप लोगों को यकीन है कि आपकी नजरबंदी खत्म हो जाएगी? हाँ यकीनन, हमने कोई जुर्म नहीं किया, और अगर कोई बात जुर्म की हैसियत भी रखती है तो कम से कम आम कारकुनों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और इसके लिए सिर्फ मालिकान ही जिम्मेदार करार पाते हैं। चुनाचे हमें यकीन है कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। बहुत खूब, और यह आज़ादी मिलने के बाद मिस्टर डेनिस, क्या आप सीधे तिल अबीब का रुख करेंगे? मेरी दरख्वास्त मेरे अफसरान के पास मौजूद है। अगर हमें फौरन ही कोई ऐसा काम नहीं सौंपा गया जो इंतहाई जरूरी हो, तो फिर तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि मुझे 3 माह की तवील छुट्टी दे दी जाए। आपको यकीन है कि आपकी ये दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी? इम्कानात तो हैं, क्योंकि 7 माह से मैं तिल अबीब वापस नहीं गया हूँ। मोहतरम, क्या आप मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि इन सवालात का मकसद क्या है? अभी कुछ और सवालात बाकी हैं, उसके बाद आपको तफसील भी बता दी जाएगी। मैंने कहा, ठीक है। गोया आपके अहले खानदान में सिर्फ यही 3 अफराद हैं। आपकी बहनों की उम्र क्या है? अंदाजे के मुताबिक एक 18 साल की है और एक 22 साल की। और आपकी बीवी? जाहिर है उसकी उम्र मेरी उम्र ही से मुताबकत रखती है। इसके अलावा आपके दोस्त और मजीद अहले खानदान चंद अफराद हैं जिनसे मेरा ज्यादा रब नहीं है। आपकी बीवी के अहले खानदान, क्या वो भी तिल अबीब ही से ताल्लुक रखते हैं? वो एक हादसे में हलाक हो चुके हैं और अब वो तनहा है, गमजदा रहती है उनके लिए, लेकिन जाहिर है मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर डेनिस। दरहकीकत सूरत हाल ये है कि मैं आपकी हैसियत से तिल अबीब जाना चाहता हूँ और वहाँ आपके घर में रहकर कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करने का ख्वाहिशमंद हूँ जो मेरे मफाद में है। क्या मतलब? उसने मुतखयराना अंदाज में सवाल किया। मतलब वही है जो आपसे कहा गया है। डेनिस पॉल अहमकों की तरह हम तीनों की सूरतें देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ के आसार नजर आने लगे। लेकिन तुम, मैं, मिस्टर डेनिस पॉल गोल्डे, आपके बारे में यही फैसला किया गया है कि आपको हलाक कर दिया जाए ताकि किसी किस्म का कोई खदशा ना रहे, जनरल टेरिस ने बेरहमी से कहा। डेनिस पॉल के बदन में थरथरी पैदा हो गई थी, उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं प्लीज नहीं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?
देखिए देखिए, दरअसल इसमें कुछ तरमीम भी की जा सकती है मिस्टर डेनिस पाल। वो ये कि कम से कम 3 माह तक आप हाथ पांव हिलाए बगैर हमारी कैद में रहेंगे। ये 3 माह गुजारने के बाद आपको यहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन आप गोली के निशाने पर रहेंगे। जिस जगह आपको कैद किया जाएगा वहाँ आपको तमाम आसाइशें भी फराहम की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपने फरार होने की कोशिश की या कोई और हरकत की तो फिर वही सब कुछ होगा जो इस वक्त आपके साथ किया जा सकता है। नहीं नहीं, आप लोग अगर मुझ पर एतमाद कर सकते हैं कर लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो सब कुछ करूँगा जो आप चाहेंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा वादा है। वो खौफ से निडाल हो गया था, मौत के खौफ ने उसे जर्द कर दिया था। जनरल टेरिस ने मेरी सूरत देखी और मैंने मुतमाइन अंदाज में गर्दन हिला दी, गोया मैं जनरल टेरिस के सारे प्रोग्राम से मुतमाइन था। डेनिस पाल गोल्डे को वहां से ले जाकर एक तहखाने में बंद कर दिया गया और उसके बाद जनरल टेरिस ने मुझसे मुलाकात की। तुम मुतमाइन हो ली? बहुत ज्यादा, मैंने जवाब दिया। तो मेरे ख्याल में तुम्हें अपने काम की तकमील कर लेनी चाहिए, उसका कैंप से ज्यादा अरसे गायब रहना मुनासिब नहीं है। मैंने इंतहाई खुफिया तौर पर उसका इंतखाब किया और फिर उसे अगवा कर लिया। अब उसे उसी जगह छोड़ा जा सकता है जहां दूसरे लोग नजरबंद हैं। मुझे मेकअप का सामान दरकार है, वो मौजूद है, जनरल टेरिस ने कहा। कैथी ब्राउन कहने लगी, अली क्या तुम तमाम जिंदगी इसी तरह गुजार दोगे? हाँ शायद, मैंने मुख्तसरन कहा और फिर मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। डेनिस पाल का मेकअप करने में मैंने कमाल किया था। तकरीबन 2 घंटे तक मैं अपने चेहरे और जिस्म की मुरम्मत करता रहा। इस दौरान जरा सी ज्यादती से काम लिया गया था। मैंने अपने सामने डेनिस पाल गोल्डे को रखा था और पूरी तरह उसके बदनों चेहरे का जायजा लिया था ताकि मेरे काम में कोई कमी न रह जाए। मैंने वो तमाम निशानात भी चेक किए जो डेनिस पाल गोल्डे के बदन पर थे। मैं किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। ये तमाम निशानात अब मेरे बदन पर भी मौजूद थे और मैं 100% डेनिस पाल गोल्डे बन गया था। मैंने डेनिस पाल गोल्डे की आंखों में शदीद हैरत के आसार देखे थे। गालबन वो खुद भी अपनी इस दूसरी शक्ल पर हैरान था। तब मैंने मुतमाइन होकर मेकअप का ये काम खत्म कर दिया। उसके बाद मैं जनरल टेरी से मिला तो वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुए। मेरे खुदा, तुम अली हो या डेनिस पाल? मैं अली ही हूँ, मैंने जवाब दिया, आवाज भी वही है। कैथी कैथी जरा इधर आओ। कैथी उस वक्त कहीं और थी लेकिन वो अंदरूनी दरवाजा खोलकर उसी कमरे में आई। देखो ये कौन है, जनरल टेरिस ने कहा और कैथी मुझे ताज्जुब से देखने लगी। अगर ये अली है तो मुझे ताज्जुब नहीं है, ये ऐसी ही अनोखी शख्सियत है जनरल, मेरा इससे वास्ता तुमसे बहुत पहले रह चुका है। हूँ, कमाल का मेकअप है, कमाल का। लेकिन इस बात का इंतहाई दुख है अली कि अब तुम हमसे जुदा हो रहे हो। हाँ जनरल, तुम्हारी मेहरबानियों से मैं अपना मकसद पाने में कामयाब हो गया, तो बहर तौर इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा होगा। अब मुझे उस जगह पहुँचा दो जहाँ से इस शख्स को अगवा किया गया था। मेरा खुद जाना मुनासिब नहीं है, वरना मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आता। दरअसल हम लोगों ने उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर रखा है, मैं तुम्हें वहीं पहुँचा देता हूँ जहाँ से इस शख्स को उठाया गया था। ये बात कहना तुमसे बिल्कुल मुनासिब नहीं है जनरल, कि इस शख्स की बेहतरीन निगरानी पर ही मेरी जिंदगी का दारोमदार होगा। तुम जिंदा रहोगे अली, इत्मीनान रखो, जनरल टेरिस ने मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। उसके बाद मैं महल से बाहर निकल आया। मुझे एक बंद गाड़ी में ले जाकर एक इमारत के करीब छोड़ दिया गया। यहाँ से इमारत के अकबी हिस्से से मुझे खुद ही अंदर दाखिल होना था। जनरल वगैरह से मैं महल ही से रुखसत हो आया था। थोड़ी देर के बाद मैं डेनिस पाल की हैसियत से अंदर पहुंच गया। यहाँ तकरीबन 9 अफराद मुकीम थे। इमारत खासी बड़ी और पुरानी तर्ज की थी। मुझे तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी थी, चुनाचे अपनी रिहाइश गाह तक पहुँचने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई और दूसरों की निगाहें बचा कर मैं वहाँ दाखिल हो गया। काफी देर तक मैं अपने कमरे में कैद रहा। मैंने उसकी एक एक शय की तलाशी ले डाली थी। एक सूटकेस था जिसमें काफी सामान मौजूद था, करेंसी थी, कुछ तस्वीरें थी जिन्हें मैंने निकाल लिया और बगौर उनका जायजा लेने लगा। 2 लड़कियां एक तस्वीर में यकजा थी, दूसरी तस्वीर अलग थी। मैंने उन लड़कियों के चेहरे में अपने खदो खाल तलाश कर लिए, यानी डेनिस पाल के। यकीनन ये उसकी बहनें थी, दूसरी उसकी बीवी हो सकती थी, हैली गोल्डे। इनसे अच्छी तरह रोशनास होने के बाद मैंने तस्वीरों को एहतियात से रख दिया और उसके बाद एक आराम कुर्सी पर दराज हो गया। थोड़ी देर के बाद एक शख्स कॉफी की 2 प्यालियां हाथ में लिए हुए अंदर दाखिल हुआ
और उसने मुझे देखते हुए कहा, कहाँ चले गए थे तुम डेनिस? मैं दो बार तुम्हारे कमरे में आ चुका हूँ, मर जाने की हद तक बोर हो रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि अब हमारा क्या होगा। आखिर ये क्या बेतुकी बात है? हमने कोई जुर्म तो नहीं किया, और अगर जुर्म किया है तो उसके जिम्मेदार तो दूसरे लोग हैं। हम आखिर यहाँ कब तक नजर बंद रहेंगे? मैं जहनी तौर पर बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। तुम ही क्या डियर, हर शख्स बुरी तरह परेशान है। हम नहीं समझते कि हमारी नजरबंदी का क्या जवाज है, लेकिन इन सियाफामों को क्या कहा जाए जो अकल से हमेशा ही पैदल होते हैं। आखिर कोई कुछ कर तो रहा होगा। मोशे हरमोस भी इस दुनिया में नहीं है जो हमारे लिए कुछ करें। हमारी ये नजरबंदी कब तक बरकरार रहेगी और इसका क्या जवाज है? मेरा ख्याल है इस सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं। हमें बहुत जल्द यहाँ से निकाल लिया जाएगा। मैं सीधा तिल अबीब जाना चाहता हूँ, और मैं अपने घर। तुम यकीन करो, मुझे भी अपने घर से जुदा हुए काफी अरसा गुजर चुका है। वैसे मिस्टर कॉर्नील आज रात जनरल टेरी से मुलाकात करना चाहते हैं। यकीनन कोई काम की बात हो जाएगी। समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या। ग्रेस्टोन कायम रहेगी या खत्म हो जाएगी? मोशे हरमोस की मौत ने सारा काम बिगाड़ दिया है। सुना है उन्हें कत्ल किया गया है। क्या मालूम, कौन जानता है हकीकत हम लोगों तक कहाँ पहुँचती है। वैसे ये तमाम कार्रवाई थी ही गलत। मैं तो इब्तदा ही से इसका मुखालिफ था। हमें जो कुछ करना होता है दूसरों की मर्जी करना होता है, लेकिन इसके खतरात तो हम ही को भुगतना पड़ते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वो शख्स काफी देर तक मेरे पास बैठा रहा। डेनिस के बेतकल्लुफ दोस्तों में मालूम होता था। मैं उसका नाम भी नहीं जानता था। मिस्टर कॉर्नील के बारे में उसने कहा था, लेकिन मैं उन्हें भी नहीं जानता था। हालांकि अली की हैसियत से जब मैं कैंप में मुकीम था तो बहुत से अफराद से मेरा तारुफ हो चुका था, लेकिन मिस्टर कॉर्नील उसमें शामिल नहीं थे। ये रात सुकून से गुजर गई। कोई उलझन नहीं पेश आई थी। उन लोगों में मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया था। दूसरे दिन सुबह उसी शख्स ने मुझे जगाकर खुशखबरी सुनाई। हमारी नजरबंदी खत्म कर दी गई है और हमें गोटे हिल से बाहर जाने की इजाजत दे दी गई है। गुड, वेरी गुड, मैंने भी मुसर्रत का इजहार किया। मिस्टर कॉर्नील ने रात को जनरल टेरी से मुलाकात की थी, और जनरल टेरिस ने खसूसी तौर पर उन्हें इजाजत दे दी कि अपने तमाम साथियों को वहां से निकाल ले जाएं। अब इसके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह का बंदोबस्त किया जा रहा है। मेरा ख्याल है हम यहां से किसी करीबी मुल्क जाएंगे, और फिर वहां से हमारे अपने अपने ठिकानों पर रवानगी का बंदोबस्त हो जाएगा। उस शख्स का कहना दुरुस्त था। बहुत सारे ट्रकों और जीपों का एक काफिला गोटे हिल से चल पड़ा। मैं भी साथ ही था। हम लोग खुशियाँ मना रहे थे, और मैं भी उनकी खुशियों में बराबर का शरीक था। मैंने मिस्टर कॉर्नील को देखा। उनके बारे में मुझे मालूमात हासिल हो गई थी। ये ग्रेस्टोन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अच्छी शख्सियत का मालिक था ये शख्स। नस्लन क्या था ये मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल अब मेरी वाकफियत भी उन लोगों से होती जा रही थी। हमें एक तवील सफर के बाद गोटे हिल की सरहद छोड़ना पड़ी, और एक और छोटे से अफ्रीकी मुल्क में दाखिल होना पड़ा, जो बहर तौर उन लोगों के लिए खासा बेहतर साबित हुआ। ग्रेस्टोन ही की तरफ से मुख्तलिफ होटलों में हमारे कयाम का बंदोबस्त किया, और वहां हमें तकरीबन 7 या 8 दिन गुजारने पड़े। मैंने एक मीटिंग में मिस्टर कॉर्नील से दरखास्त की कि मैं तिल अबीब जाने का ख्वाहिशमंद हूँ, और वो छुट्टी जो सार्डान के प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मेरे लिए मंजूर की गई थी, अभी से शुरू कर दी जाए। मिस्टर कॉर्नील ने होठ सुकेड़ कर कहा, तमाम ही लोगों को उनके घरों को जाने की इजाजत दे दी गई है, क्योंकि फिलहाल हमारे सामने कोई नया मंसूबा नहीं है। आपको भी तिल अबीब में आपके नए प्रोग्राम की इत्तला दे दी जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि ग्रेस्टोन का ऊंट किस करवट बैठेगा, चुनाचे आप तैयार हो जाइए। हम आपके लिए तिल अबीब जाने का बंदोबस्त कर देंगे। तकरीबन 6 अफराद मेरे सामने और शरीक हो गए, और हमारी तादाद 7 हो गई। ये सब तिल अबीब ही के बाशिंदे थे। मैंने इंतहाई चालाकी से उन सब से तारुफ हासिल कर लिया, ताकि तिल अबीब एयरपोर्ट पर उतरते वक्त मैं किसी के लिए अजनबी ना रहूं। अपने मंसूबे से मैं पूरी तरह मुतमाइन था, और अब इस सिलसिले में मैंने जहन को आजाद छोड़ दिया था। डेनिस पॉल गोल्डे की हैसियत से पहले मैं तिल अबीब में पहुंच जाऊं, वहां कुछ अरसे पुरसकून रहकर कयाम करूं, और उसके बाद अपने नए काम का आगाज कर दूं। यही फैसला किया था मैंने। 8वें दिन में अपने साथियों समेत तिल अबीब की जानिब महवे परवाज था। मेरे साथी बेहद खुश थे। उन्हें खुश होना ही चाहिए था, इसलिए कि वो सब अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। सब लोग चहक रहे थे और तातीलात गुजारने के प्रोग्राम बना रहे थे। सितम ये था कि वो मुझे भी अपनी गुफ्तगू में शरीक रख रहे थे।
और क्यों न शरीक रखते, उनके लिए मैं अली यार खान तो था नहीं, मैं तो डेनिस पॉल गोल्डे था, ग्रेस्टोन कंपनी में उनके साथ तवील अरसे काम करने वाला एक इंजीनियर। उनकी दानिश में तो मैं भी उन्हीं की तरह तवील अरसे बाद अपने घर वापस लौट रहा था। वो मुझसे ये तवक्को करने में हक बजानिब थे कि मैं उनका पूरा पूरा साथ दूं। मैंने उन्हें मायूस नहीं किया, मैं उन्हें मायूस कर भी नहीं सकता था। मायूस करना तो बहुत दूर की बात है, मैं उन्हें अपने किसी भी तर्ज अमल से मशकूक करने तक का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरी जरा सी बेहतियाती सारे किए दरे पर पानी फेर सकती थी। मुझे हर हाल में डेनिस पॉल गोल्डे की हैसियत से इसराइल में दाखिल हो जाना था, और इसके लिए जरूरी था कि मैं किसी को भी अपनी मौजूदा शख्सियत पर जरा भी शक व शुबे का मौका फराहम ना करूं। चुनाचे मैं ना चाहते हुए भी उन लोगों से गुल मिलकर गुफ्तगू करता रहा, अगरचे मेरी जहनी कैफियत उनकी कैफियत के बिल्कुल बरक्स थी। ताहम मैंने अपने किसी भी अंदाज से उन पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनमें से नहीं हूँ, और ये एक बड़ी कामयाबी थी। मुझे एक नई मुहिम दरपेश थी और मैं अपना जहन उसकी तफसीलात पर मरकूज करना चाहता था, मगर उन लोगों की बातों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि डेनिस पॉल गोल्डे की हैसियत से तेल अबीब में दाखिल होने के बाद मुझे क्या मौके मुयसर होंगे। ये बात बहरहाल तय थी कि ओलियो हावर्ड तक पहुँचने के लिए मुझे हर मुमकिन कोशिश करना होगी। तहजीब मालकम एक्स का सुराग लगाने के लिए ओलियो हावर्ड ही सबसे अहम कड़ी थी। आखिरकार फजाई सफर इख्तिताम को पहुंचा। हमारा तयारा तेल अबीब एयरपोर्ट पर उतर चुका था। तेल अबीब एयरपोर्ट मेरे लिए अजनबी नहीं था। इसके अलावा डेनिस पॉल गोल्डे के बारे में काफी तफसीलात मेरे इल्म में आ चुकी थी। मुझे यकीन था कि इन मालूमात की रोशनी में उसके घर तक पहुँचने में जरा भी दुश्वारी नहीं होगी। हम में से किसी ने भी अपने मुतालिकीन को अपनी आमद की इत्तला नहीं की थी, लिहाजा एयरपोर्ट पर किसी को भी रिसीव करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। एयरपोर्ट चेकिंग से सही सलामत निकल जाना इस वक्त मेरे लिए मिशन की बुनियाद बन गया था। मेरा मेकअप बहुत शानदार था, मेरे कागजात हर तरह से मुकम्मल थे, लेकिन इसके बावजूद नामालूम खदशात के सांप मेरे जहन में सरसरा रहे थे, मगर मैं अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहा था। मैं जानता था कि मैं अंदेशा है दूरो दराज में गिरा हुआ हूँ, मगर मैं जहन में खुद बखुद रिंग आने वाले ख्यालात से नहीं लड़ सकता था। इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचकर मैंने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर के अकब में मौजूद ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। ये एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए आखिरी मरहला था। मुझे यकीन था कि ये मरहला भी बखैर खूबी निमट जाएगा और उसके बाद मैं आजाद फजा में अपनी मर्जी से काम कर सकूंगा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट मुझसे लिया और उसके सफात पलटने लगा। उसकी तेज नजरें पासपोर्ट के मंदरजात पर तेजी से दौड़ रही थी। मेरी निगाह उस मोहर की तरफ रिंग गई जो उस ऑफिसर के पास ही रखी थी। वो तेल अबीब में दाखिले की मोहर थी जो मेरे पासपोर्ट पर लगना थी। गोया एक तरह से वो मोहर मेरे लिए कलीदी हैसियत रखती थी, और मुझे मालूम था कि बस चंद ही लम्हों बाद वो ऑफिसर मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगा देगा। मैं पुरसकून अंदाज में खड़ा उसे पासपोर्ट के सफात पलटते देखता रहा। दफातन वो रुक गया। पासपोर्ट के एक सफ़े पर वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं ये देखने से कासिर था कि वो किस सफ़े पर रुका है। फिर उसने पासपोर्ट अपने साथी ऑफिसर की तरफ बढ़ाया और उसे गर्मजोशी में कुछ कहा। मेरा दिल अचानक ही बड़ी तेजी से धड़कने लगा था।